कार्यवे तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं गौरव नरेंजन, भूगोल एवं पर्यावरण का आपका अध्यापक। आपको जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है UPTET 2019 में निश्चित सफलता दिलाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारी पूरी टीम मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ना चाहती है, आपको अपने से जोड़ना चाहती है। मैं आपको 30 नंबर की तैयारी कराने आया हूँ और मेरे द्वारा जो 30 नंबर की तैयारी की जाएगी वो EVS की होगी और इस EVS में मैं आपको भूगोल एवं पर्यावरण समझाऊंगा, भूगोल और भूगोल के साथ साथ पर्यावरण। ये जो मेरा सब्जेक्ट है भूगोल एवं पर्यावरण, ये दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे जूनियर का एग्जाम देने वाले हो आप या फिर प्राइमरी का। बेसिकली जो 1 से 5 तक का एग्जाम देंगे जिसको प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है EVS और संविधान ही उसमें आता है। और लेकिन जूनियर में बात करें तो सारे के सारे GS के सब्जेक्ट आ जाते हैं। इस 30 नंबर की तैयारी में मैं अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और चाहूंगा कि आप भी अपने पूरे तन मन धन से लगे रहिएगा, कोई कसर मत छोड़िएगा। तो हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बायो। टॉपिक का नाम क्या है? तो इस टॉपिक का नाम है बायो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोम क्या है। तो बायोम क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधे, की सामान्य विशेषताएं एक समान हो। फिर से सुन लीजिएगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की सामान्य विशेषताएं एक समान हो, तो ऐसे क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है बायोम। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वरगद एक वृक्ष है, सीसम, नीम और चंदन। आपसे पूछा जाएगा इन चारों वृक्षों में डिफरेंट कौन है, तो इन चारों वृक्षों में डिफरेंट है चंदन। चंदन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि चंदन एक सदाबहार वन का उदाहरण है, सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार। और जबकि ये तीनों जो हैं एक इस प्रकार के वृक्ष हैं, तो ये पतझड़ है, यानी इन तीनों की विशेषता एक समान होगी जबकि चंदन की विशेषता इनसे डिफरेंट होगी। जब इन तीनों की विशेषता एक समान है तो एक अलग क्षेत्र में पाए जाएंगे, चंदन की विशेषता इनसे डिफरेंट है तो चंदन एक अलग क्षेत्र में पाया जाएगा, चंदन सदाबहार वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा और बरगद सीसम या नीम ये पतझड़ वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। अब पतझड़ वाले क्षेत्र कौन से होते हैं और सदाबहार वन के क्षेत्र कौन से होते हैं अभी हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक ना। तो बायो जैव विविधता का एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक ही प्रकार के या जहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु की सामान्य विशेषताएं एक समान होती है। क्या होती है? सामान्य विशेषताएं एक समान हो तो ऐसे क्षेत्र को नाम दिया जाता है बायोम। क्या नाम दे दिया गया? नाम दिया गया बायोम। अब अगर हम बायोम का वर्गीकरण देखें, बायोम तो इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया। एक को नाम दे दिया गया स्थलीय बायोम, और दूसरे को नाम दे दिया गया जलीय बायोम, ठीक ना, 2 बायोम हो गए। इस स्थलीय बायोम को हमने पुनः 2-4 भागों में विभाजित कर लिया। एक हो गया आपका वन बायोम, दूसरा हो गया आपका घास बायोम उसके बाद आपका हो गया टुंड्रा बायोम, और टुंड्रा बायोम के बाद आपका आ गया कौन सा, तो मरुस्थलीय बायोम, ठीक
ठीक ना। ये चार प्रकार के वायुम हो गए धरातलीय वायुम के उदाहरण। अब जलीय वायुम तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। जलीय वायुम और जलीय वायुम के अंतर्गत हम तीन वायुमों की चर्चा करते हैं। पहला हो गया आपका प्रवाल भित्ति वायुम। अगर आपने कभी भूगोल पढ़ा है तो प्रवाल भित्ति के बारे में अवश्य जानते होंगे। प्रवाल भित्ति वायुम, प्रवाल भित्ति के बाद आ गया आपका खुला समुद्र। खुला समुद्र और खुला समुद्र के बाद आपका जो वायुम आ जाता है वो आ जाता है आपका आर्द्र भूमि। क्या जाता है? आर्द्र भूमि वायुम। तो जलीय वायुम को हमने तीन भागों में बांटा और धरातलीय या स्थलीय वायुम को हमने कितने भागों में बांटा? तो धरातलीय स्थलीय वायुम को हमने चार भागों में बांटा। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे तो वन वायुम, घास पाई जाएगी घास वायुम, टुंड्रा वायुम हो गया और एक हो गया जहां पे मरुस्थलों का विकास हो गया होगा मरुस्थली वायुम, ठीक ना। आप चाहें तो इस फ्लोचार्ट का एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिएगा, मैं आपको वन वायुम पढ़ा रहा हूं आज, और वन वायुम पढ़ाने से पहले कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर देखा जाए तो तीन ऋतु हैं। पहली ऋतु का नाम है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, दूसरी का नाम है वर्षा ऋतु, और अगली ऋतु का नाम है शीत ऋतु या शरद। शीत, वसंत मतलब गर्मी और वर्षा के बीच का क्षेत्र, मुख्य रूप से ये तीन है, गर्मी वर्षा और शीत, ठीक ना। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। आप लोग में से कमेंट करके मुझे कोई ये बताइएगा, हालांकि ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई है, आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग नए हैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आने का कारण क्या है? ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आने का कारण क्या है, या ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु क्यों आती है, ठीक ना। तो आप लोगों के आंसर की मैं वेट करूंगा, आपके आंसर का वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में देखूंगा। देखिएगा मैं समझाता हूं आपको। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक होता है या कम होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक होगा। अभी बताइएगा, जब गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अधिक होगा तो जो धरातल पर जल पाया जाएगा वो ठंडा हो जाएगा या गर्म? तो जल कैसा होगा? जल हो जाएगा गर्म। अब जब जल गर्म हो जाएगा तो गर्म जल का क्या होगा? गर्म जल का हो जाएगा वाष्पीकरण। गर्म जल का क्या होगा? तो गर्म जल का होगा वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण हो जाने के बाद इससे किसका निर्माण हो जाएगा? तो इससे निर्माण हो जाएगा बादलों का। वाष्पीकरण के बाद निर्माण हो जाएगा बादलों का, और बादलों के निर्माण के बाद क्या हो जाएगी? तो बादलों के निर्माण के बाद हो जाएगी आपकी वर्षा। कहने का मतलब इतना है मेरा कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वर्षा अधिक होगी, लेकिन तापमान एकमात्र कारक नहीं है जो वर्षा को प्रभावित करता हो। वर्षा को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। मान लीजिएगा तापमान तो अधिक है और यदि हमारे पास जल ही नहीं हुआ, यदि तापमान तो है हमारे पास अधिक लेकिन यदि आपके पास जल नहीं हुआ तो क्या वाष्पीकरण होगा? नहीं होगा। कई सारे कारक हैं जो वर्षा को प्रभावित करते हैं, लेकिन उन सभी कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उस कारक का नाम क्या है? तो उस कारक का नाम है तापमान। वर्षा को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो गया? तापमान। इतनी बात समझिएगा। चलिएगा, यहां से एक बात हो जाती है कि जिस स्थान का तापमान अधिक होगा उस स्थान की वर्षा अधिक होगी, और जिस स्थान का टेम्परेचर कम होगा उस स्थान की वर्षा कम होगी। यही बात हुई। चलिए दूसरा पेज लेते हैं, आइए समझाते हैं आपको। मान लीजिएगा आपके पास एक गमला ए है और आपके पास दूसरा गमला ए है, ए गमला और बी गमला। इस गमले में डेली पानी डाला जाता है, क्या है? जल। और इस गमले में कभी पानी नहीं डाला जाता। तो बताइएगा
जिस गमले में डेली पानी डाला जा रहा है, यानी ए गमला जिसमें डेली पानी डालते हैं, और जिस गमले में डेली पानी नहीं डाला जा रहा है यानी बी गमला, किस में अधिक मात्रा में घास पाई जाएगी, किस में अधिक मात्रा में घास पाई जाएगी। तो हम जानते हैं कि यदि लगातार बारिश होती रही या किसी गमले में आप लगातार पानी डालते रहे तो उस गमले में वनस्पति का विकास अधिक हो जाएगा। वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे झाड़ियाँ इन सबको मिला के नाम दे दिया जाता है वनस्पति। तो यदि लगातार वर्षा होगी, अधिक मात्रा तक वर्षा होगी, या गमले में हम लगातार पानी डालते रहेंगे तो गमले में वनस्पति का विकास अधिक हो जाएगा, जबकि जिस गमले में हम पानी नहीं डालेंगे उसमें वनस्पति का विकास कम होगा। ठीक ना, यहां से हम जाने कि वर्षा का वनस्पति से कैसा संबंध होता है। तो वर्षा का वनस्पति से सीधा संबंध होता है, वर्षा का वनस्पति से सीधा संबंध। यदि वर्षा की मात्रा अधिक तो वनस्पति की मात्रा अधिक, और वर्षा की मात्रा कम तो वनस्पति की मात्रा कम। आइए इस चीज को हम यही मेंशन कर देते हैं, वर्षा का सीधा संबंध होता है वनस्पति से, और केवल वर्षा ही वनस्पति को प्रभावित करने वाली कारक नहीं है, और भी कई कारक हैं। वर्षा तो हो रही है लेकिन यदि आपके पास मृदा ही नहीं होगी तो क्या वनस्पति का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है वनस्पति को प्रभावित करने वाला, लेकिन वनस्पति को प्रभावित करने वाले और भी कई सारे कारक हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग कमेंट में ना बोलें कि सर फिर आप क्वेश्चन करने लगते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही दे रहा हूँ कि तापमान यदि वर्षा को प्रभावित करने वाला कारक है तो एकमात्र कारक नहीं है, तापमान के अलावा और भी कारक है। वर्षा एकमात्र कारक नहीं है वनस्पति को प्रभावित करने वाली, वनस्पति को प्रभावित करने वाले और भी कई सारे कारक है। बोलिएगा इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई है तो देखिएगा नेक्स्ट। यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के थोड़ा फिर से बनाते हैं, यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, रेखा का नाम है 0° अक्षांश और इसको नाम दिया जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ऐसी रेखा को 0° अक्षांश, 0° अक्षांश विषुवत रेखा, या इसी को एक नाम और दे दिया गया, और इसी को एक नाम दे दिया गया भूमध्य रेखा। क्या नाम दे दिया गया, इसी को एक नाम दे दिया गया भूमध्य रेखा। तो 0° अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ होमस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग साउथ होमस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध है। चलिए देखिएगा, यहां पर सबसे टॉप पर 90° एन है, एन का मतलब उत्तर, और इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। और यहां पर 90° एस है, और जो 90° एस है इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बाबू हमारी पृथ्वी ऐसे नहीं है जैसे हम बनाए हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5° झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5° झुकी हुई है, और 23.5° झुके होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, केवल विषुवत रेखा पर। इसलिए विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण विषुवत रेखा का टेम्परेचर, विषुवत रेखा पर टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि सूर्य की किरणें जब ध्रुवों पर जाती हैं, चाहे वो उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। वहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर भी कम होता है। कहने का मतलब है कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर ध्रुव की ओर जाएं, या विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दक्षिण ध्रुव की जाएं, आपका हमेशा तापमान में कमी आएगी, हमेशा तापमान में कमी आएगी। अब ये बताइएगा, यदि विषुवत रेखा से जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं,
अगर तापमान में कमी आएगी तो तापमान में कमी आने के कारण वर्षा की मात्रा में भी क्या आएगी, तापमान में कमी आने के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। वैसे नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे तापमान में कमी आने के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी, और यदि ऊपर बढ़ने पर यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी आ रही है तो वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी, और वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है तो वनस्पति की मात्रा में भी कमी आएगी, यानी यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी बहुत अधिक विरल होगी। जबकि 0 डिग्री पर तापमान अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाएगी, सघन या विरल, तो यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी कैसी, तो यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाएगी। ठीक ना, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा। यह हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक ना, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी समझा देता हूँ। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पर भी एक रेखा है 10 डिग्री नॉर्थ और इसका मान है 10 डिग्री साउथ। यहाँ पर है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी पृथ्वी पर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ, तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के जो बीच का क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक होता है। अगला देखिएगा, यहां पर एक रेखा है, नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा का जो नाम मान है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहां पर एक रेखा है मकर रेखा, क्या नाम है, मकर रेखा, और मकर रेखा का जो मान है वो है 23.5 डिग्री साउथ, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र यानी इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है उष्ण, नाम दिया जाता है उष्ण कटिबंध। ठीक ना, ये जो मैंने येलो से बनाया है, इस येलो से लेकर इस येलो, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध, जबकि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को कहते हैं भूमध्य रेखा, क्या सॉरी विषुवत रेखीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक ना, अब बताइएगा, अगर बात करें विषुवत रेखीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, तो कहां पर तापमान अधिक पाया जाएगा और कहां पर तापमान कम पाया जाएगा, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कहां पर तापमान अधिक पाया जाएगा और कहां पर तापमान कम। तो देखिएगा, विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो 10 डिग्री पर अधिक तापमान होगा, किसकी अपेक्षा, 23.5 की अपेक्षा, क्योंकि विषुवत रेखा से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान कम होगा, तो सबसे अधिक 0 पर होगा, 0 से कम 1 पर, 1 से कम 2 पर, 2 से कम 3 पर, 3 से कम 4 पर। कहने का मतलब है जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आती जाएगी, कमी। बस इतना याद रखना है जितना अभी तक हमने समझाया है आपको, वन बायो समझ में आ गया। देखिएगा नेक्स्ट पेज में, देखिएगा फॉरेस्ट वन बायो, वन बायोम को हमने दो भागों में बांट दिया, वन बायोम को हमने दो भागों में बांट दिया, इसको हमने एक नाम दिया, दो प्रकार के वन हैं, एक को नाम दिया विषुवत रेखीय वन बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम, और दूसरे का नाम है उष्णकटिबंधीय वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वन बायोम, एक विषुवत रेखीय और एक दूसरा कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वन बायोम। ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, विषुवत रेखीय वन बायोम का विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर कहां तक, 10 डिग्री साउथ तक, और
उष्णकटिबंधीय वन बायोम का विस्तार कहां से कहां तक है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, ठीक ना। अभी अभी बताए थे, बताइएगा दोनों में से टेम्परेचर कहां पर अधिक होगा। तो दोनों में टेम्परेचर यहां का अधिक है, तो यदि यहां का टेम्परेचर अधिक है तो यहां पे वर्षा भी क्या होगी, तो यहां पर वर्षा भी अधिक होगी। और जब यहां पे वर्षा अधिक होगी तो यहां पर वनस्पति सघन पाई जाएगी या विरल पाई जाएगी। तो यहां पे वनस्पति कैसी पाई जाएगी, यहां पर वनस्पति सघन पाई जाएगी। इतने घने जंगल पाए जाते हैं कि घने जंगल इतने ज्यादा पाए जाते हैं कि उन घने जंगलों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे वनस्पति सघन है और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। नहीं पहुंचता सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। कहां पर, कहां पर? विषुवत रेखीय बायोम में, विषुवत रेखीय वनों में, क्योंकि यह वन बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा सघन होते हैं। बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, सघन। यहां पर देखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो विषुवत रेखीय वन बायोम की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय वन बायोम का टेम्परेचर कम होगा। अगर यहां पर तापमान कम है तो एक ये भी कन्फर्म है कि वर्षा भी क्या होगी, कम। और वर्षा कम होगी तो वनस्पति सघन पाई जाएगी या विरल, तो वनस्पति कैसी पाई जाएगी, वनस्पति पाई जाएगी आपकी विरल। कैसी वनस्पति पाई जाएगी, वनस्पति विरल पाई जाएगी। अब बताइएगा ये विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर वृक्षों का होना। विरल का मतलब वृक्षों का दूर दूर होना। अभी बताइएगा यदि वनस्पति विरल है तो विरल वनस्पति में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरातल पर पहुंचेगा, धरातल पर पहुंचेगा, सूर्य का प्रकाश धरातल पर पहुंचेगा या पहुंच जाएगा। और यहां पर सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचेगा। बताइएगा इतनी चीजें जो हमने आपको समझाई, जो भी फैक्ट या जो भी कॉन्सेप्ट बताए, क्या वो समझ में आए आपके? चलिए इसके आगे बढ़ा जाए, इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक ना। यहां पे लिखता हूं विषुवत रेखीय वन बायोम, केवल वन लिख ले रहे हैं, और यहां पे लिखते हैं उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, विषुवत वन और उष्णकटिबंधीय वन। समझिएगा वर्षा अधिक होती है यहां पर। अब बात करें कि भारत में यह कहां पाए जाएंगे, तो बताइएगा विषुवत रेखीय वन बायोम वहां पाए जाते हैं जहां पे वर्षा अधिक होती है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि भारत में कहां पर वर्षा अधिक होती है तो हम बता देंगे कि यहां पर विषुवत रेखीय वन बायोम पाए जाएंगे। तो भारत में बाबू तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय। इसी में अगर आप लिखना चाहें तो मेघालय का नाम लिख सकते हैं, मेघालय, पूर्वी हिमालय, ठीक ना। अब बात करते हैं कि विश्व में कहां पाए जाएंगे, विश्व में। तो विषुवत रेखा के समीप दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, एक नदी का नाम है अमेजन। तो अमेजन नदी के क्षेत्र में पाए जाएंगे, अमेजन नदी के क्षेत्र में। और एक नदी और है जो विश्व में विषुवत रेखा को, यह नदी विषुवत रेखा को बल्कि दो बार काट देती है, नाम है कांगो नदी, कांगो नदी। तो विश्व में ये मुख्य रूप से दो स्थानों पर पाए जाएंगे, एक का नाम है अमेजन नदी के क्षेत्र में पाए जाएंगे और दूसरा कौन सी है, कांगो नदी के क्षेत्र में पाए जाएंगे। कांगो नदी अफ्रीका में बहती है जबकि अमेजन नदी जो है वो आपके कहां पर बहती है, वो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, ठीक ना। अब अगर उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें तो ऐसे स्थानों पाए जाएंगे जहां पे वर्षा कम होगी, जैसे यूपी हो गया आपका, जैसे बिहार हो गया आपका, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, जैसे आपका झारखंड हो गया, जैसे आपका कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया,
कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों में पाए जाएंगे, ठीक ना। बल्कि कर्नाटक तो पश्चिमी घाट पर है, लेकिन पूरा कर्नाटक थोड़ा ना, थोड़ा वहां पर बीच वाले क्षेत्र पड़ता है, तो तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र हो गए कि कहां कहां पर ये वन पाए जाएंगे। अब अगर इसी में स्पेस तो नहीं है, चलिए मैं बनाता हूं। अगर इसी में बात की जाए कि इनके अंतर्गत कौन कौन से वन शामिल हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से वन शामिल हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे आम है इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत नीम के वृक्ष आते हैं, कौन सा आ जाएगा बरगद आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा पीपल आ जाएगा, ठीक ना। और जितने भी आप जानते हो शीशम आ जाएगा, ठीक ना, महुआ आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। और बात करें अगर यहाँ पर, तो स्पेस तो नहीं है यहाँ पर, चलिए नीचे लिख दें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इनके अंदर जैसे हो गया आपका चंदन का हो गया, इनके अंतर्गत और कौन सा वृक्ष आता है रबर हो गया, इनके अंदर रबर चंदन अबनूस हो गया, अबनूस हो गया, केला हो गया, एक प्रकार की बांस पहले वृक्ष की श्रेणी में आता था लेकिन अब इसको घास की श्रेणी में रख दिया, घास बांस हो गया, क्या हो गया केला हो गया। तो ये सभी किस प्रकार के हो जाएंगे, ये विषुवत रेखीय वनों के उदाहरण है और ये सभी उष्णकटिबंधीय वनों के उदाहरण है। बोलिएगा इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात आप लोग समझ पाए, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो यूपी टीईटी के एग्जाम में, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कह देगा कि जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा होती है, वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला देखिएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है या कम होती है, तो वर्षा अधिक होती है, और जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उन्हें कौन से वन बोलते हैं, उन्हें एक नाम दिया जाता है और नाम दिया जाता है सदाबहार वन। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक ना। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र की अपेक्षा वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको नाम दे दिया गया पतझड़ वन, या इन्हीं का एक नाम और होता है पर्णपाती वन, पर्णपाती। पतझड़ वन या पर्णपाती वन, हमें समझना ये है कि सदाबहार वन किसे कहते हैं और पतझड़ वन किसे कहते हैं। सदाबहार वन ऐसे वन जो वर्ष के एक या वर्ष के अलग अलग समय में, अलग अलग समय में अपनी पत्ती गिराते हो, ऐसे वन जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्ती गिराते हो उन्हें बोलते हैं विषुवत रेखीय वन या सदाबहार वन। और अगर यहां बात करें तो वर्ष के एक निश्चित समय में, वर्ष के एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में अपनी पत्ती गिराते हैं, वर्ष के एक निश्चित समय में क्या करते हैं, अपनी पत्ती गिराते हैं। तो ऐसे वृक्ष जो वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्ती गिराते हों उन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन या पतझड़ वन, और जो एक निश्चित समय में जो अपनी पत्ती गिराते हों उन्हें उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं, और जो अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं उन्हें सदाबहार वन। आइए इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा आपके पास एक बगीचा ये है, एक बगीचा है, इस बगीचे में मान लीजिएगा ये सारे वृक्ष लगे हुए हैं,
यहाँ पर इतने सारे वृक्ष लगे हुए हैं। जनवरी का मौसम आया और जनवरी के मौसम में हुआ क्या, जनवरी के मौसम में इस वृक्ष ने अपने पत्ते गिरा दिए, इसने अपने पत्ते गिरा दिए, इसने अपने पत्ते गिरा दिए। आप अगर दूर से देखेंगे तो ये बताइएगा, तीन वृक्षों ने अपने पत्ते गिराए, बकाया सबके पास है। आपको आज भी क्या दिखाई देगा, ये हरा भरा दिखाई देगा। जैसे ही फरवरी का मंथ आया, यहाँ पर पत्ते वापस आ गए, पत्ते वापस आ गए, और यहाँ के भी पत्ते वापस आ गए। अब हुआ क्या, इसका पत्ता चला गया, इसका पत्ता चला गया, और इसका पत्ता चला गया। अगर आप भी देखेंगे तो अभी आपको एक ऐसा दिखाई देगा, हरा भरा। मार्च का मौसम आया, मार्च में जिनके पत्ते गए थे उनके पत्ते वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए। अब हुआ क्या, इसका चला गया, इसका चला गया, इसका चला गया। अभी भी बताइए, क्या बगीचे पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। तो एक ही समय में अपने पत्ते गिरा रहे हैं कि अलग अलग समय में? अलग अलग समय में। कोई जनवरी में गिरा रहा है, कोई फरवरी में। जो जनवरी में गिराता है उसका पत्ता फरवरी में आ जाता है, जो फरवरी में गिराता है उसका मार्च में आ जाता है, और जो मार्च में गिराता है उसका अप्रैल। जिस कारण से बगीचा हमेशा कैसा दिखाई देगा, हरा भरा। दो वृक्ष अपने पत्ते गिराएंगे, बकाया सबके पास अपनी पत्तियां हैं, तो वो हमेशा हमें कैसे दिखाई देंगे, हरे भरे। और मान लीजिएगा एक बगीचा है, इस बगीचे में मान लीजिएगा ये सारे क्या है, वृक्ष है। और एक मौसम आया और उस मौसम का नाम है वसंत। और जैसे ही वसंत का मौसम आया, इन सारे वृक्षों ने क्या किए, एक ही बार में अपने पत्ते गिरा दिए। जब एक ही बार में अपने पत्ते गिरा दिए तो क्या ये आपको हरा भरा दिखाई देगा? हरा भरा नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे वनों को नाम दे देंगे पतझड़ वन या पर्णपाती वन। और जो अलग अलग समय में अपने पत्ते गिराएंगे उनको नाम दे दिया जाएगा सदाबहार वन या विषुवत रेखीय वन। बोलिए, बात समझ में आई? जो लोग भी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं उनके लिए नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर, ये नंबर है 8382968 3829667 69। इस नंबर पर आपको केवल UPTET एंट्री लिखकर मैसेज करना है, और याद रखिएगा व्हाट्सएप मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। आप जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको पूरी एडमिशन की प्रक्रिया, कब से क्लासेस संचालित होंगी, शेड्यूल क्या है, सारी कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। चलिए अब देखते हैं, जो हमने आपको वन बायोम पढ़ाना स्टार्ट किया था, यहाँ से मैंने वन बायोम आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें बखूबी आपको समझ में आ गई होंगी। विषुवत रेखीय वन बायोम 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य है। अधिक तापमान होने के कारण वर्षा अधिक होगी, और अधिक वर्षा होने के कारण वनस्पति सघन पाई जाएंगी। कैसी पाई जाएंगी? सघन वनस्पति पाई जाएगी, और सघन वनस्पति में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। इसकी तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान इसकी तुलना में कम पाया जाता है, और कम तापमान पाए जाने के कारण यहाँ पर वनस्पति विरल पाई जाती है, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंच जाता है। विषुवत रेखीय वन बायोम भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो जहां पर वर्षा अधिक होती है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। पूर्वी हिमालय को ही हमने दे दिया मेघालय का नाम। विश्व में बात करें तो अमेजन नदी के क्षेत्र में और कांगो नदी के क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? चंदन है, रबर है, अबनूस है, महोगनी है, ठीक ना, रोजवुड है, अब केला है, बांस है। ये सारी की सारी वनस्पति विषुवत रेखीय वन बायोम की है। उष्णकटिबंधीय वन बायोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये राज्य लिखे हैं, ये वृक्षों के नाम लिखे हैं। उसके बाद मैंने बताया कि विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वनों की विशेषता क्या है? वर्ष के अलग अलग समय में क्या करते हैं? वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्ती गिराते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण यहाँ पे पर्णपाती या पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? वर्ष के एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वर्ष के एक निश्चित मौसम में पत्ती गिराने के कारण ही इन्हें पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, बात समझ में आ गई?